हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाकर बैठते हैं, माला पकड़कर भी बैठते हैं, भजन भी करने बैठते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा लेते हैं, बेलपत्री भी चढ़ा लेते हैं, ओंकारेश्वर बाबा का दर्शन भी कर लेते हैं, माँ रेवा जी का हर कहीं जाकर एकादशी द्वादशी को स्नान भी कर लेते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब एक अलग विषय है। मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, मंदिर में जाकर बेलपत्री चढ़ाना, मंदिर में जाकर फूल चढ़ाना, मंदिर में जाकर दीपक लगाना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ओंकारेश्वर बाबा के मंदिर में जाकर पूजन पाठ करना, ये एक अलग विषय है। पर शिव महापुराण की कथा दूसरा विषय बतलाती है कि आप मंदिर तक तो गए हो, आप देवालय तक तो गए हो, आप शिवालय तक तो गए हो, आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने तो गए हो, पर उतने जल चढ़ाने में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता महादेव से कितनी देर जुड़ पाई है, तुम्हारा दिल परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है, तुम्हारा चित्त परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है, मूल वो है। तुम्हारे घर में लाइट लगी है? अरे बोलो तो जमके। लगी है? पंखा लगा है? जमके तो बोलो। लगा है? ट्यूबलाइट लगी है? बल्ब लगा है? ठीक है। लाइट लगवा ली, कनेक्शन करवा लिया, सब कुछ बढ़िया जोरदार कनेक्शन करवाया और पूरे मोहल्ले वालों से कहा मैंने 50 लाइट लगवाई है, 15 पंखे लगे हैं, कूलर लगाए, एसी लगाए, और मालूम पड़े मीटर नहीं लगवाया, डीपी से कनेक्शन नहीं लेकर आए, कनेक्शन नहीं जुड़वाया, तो वो लाइट, वो पंखा, वो कूलर, वो एसी किसी काम का है? अभी जैसे उधर वाले कह रहे हैं कि हमारी एलईडी नहीं चल रही है, अब उसमें पानी भरा गया, चले तो कहीं खाद चले? अब एलईडी वाला कितना भी मेहनत कर ले परंतु उसमें पानी भरा है तो कैसे चलेगा? विचार करिए। तो यहां शास्त्र कह रहा, यहां हमारा पुराण कह रहा है, यहां वर्णन कर रहा है, जरा ध्यान देना कि घर में बल्ब लगाए रखे हैं, घर में तुमने ट्यूबलाइट लगा रखी है, घर के अंदर तुमने कूलर लगा रखा है, घर के अंदर तुमने पंखे लगा रखे हैं, घर के अंदर तुमने बहुत कुछ व्यवस्था कर रखी है, लाइट का पूरा कनेक्शन लगा कर रखा है, घर के अंदर पूरी लाइट सब दूर लगा के रखी है, पर ईमानदारी से बोलो तुमने मीटर नहीं लगवाया, तुमने कनेक्शन नहीं लिया, और मीटर नहीं लगवाया, कनेक्शन नहीं लिया, डोरी नहीं खिंचवाई तो तुम्हारे यहाँ लाइट जलेगी? अरे बोलो तो जमके। नहीं जलेगी। पंखा चलेगा? नहीं, नीचे बैठती बैठती डंडे से हिलाती रहे, चल जा ना। लाइट जलेगी ना, पंखा चलेगा ना, कूलर चलेगा, कब तक नहीं चलेगा? जब तक कि उसका कनेक्शन मीटर से नहीं जुड़ा। उसी तरह अब तुम्हारे यहां पंखा तो लगा है, लाइट तो लगी है, पर मीटर से कनेक्शन नहीं हुआ है तो वो नहीं चल सकता। उसी तरह तुम दिया लेके बैठी तो हो, तुम अगरबत्ती लेके बैठी तो हो, तुम माला लेकर मंदिर में बैठी तो हो, तुम एक लोटा जल भी चढ़ा रही हो, तुम बेलपत्री भी चढ़ा रही हो, एक तुम्हारी पड़ोसन जल चढ़ाती है और उसका काम हो जाता है, और तुम मंदिर में इतने दिन से जल चढ़ा रही हो, तुम्हारा काम नहीं हुआ, उसका कारण है तेरा कनेक्शन नहीं हो पाया। उसका केवल एक कारण है कि तेरा कनेक्शन नहीं हो पाया। अगर तेरा कनेक्शन हो जाता, तेरा कनेक्शन सही जुड़ जाता, अगर तेरा कनेक्शन सही जगह पर लग जाता तो ये निश्चित है कि पंखा लाइट कनेक्शन सही होने पर चल जाते हैं। उसी तरह अगर तू एक बार एक लोटा जल चढ़ा और दिल से मेरे बाबा को पुकार लेती तो तेरे सारे दुख एक पल में मिट जाते, एक पल में मिट। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब हमारा कनेक्शन उतना नहीं हो पा रहा। अगर सही कनेक्शन होता तो पंखा भी चलता, सही कनेक्शन होता तो हम लाइट भी जलती, सही कनेक्शन होता तो हमारा कूलर भी चलता। उसी तरह अगर मंदिर में जा रहे हो ना, इतना टाइम लगा कर जा रहे हो, आप लोग इतनी संख्या में कथा श्रवण करने के लिए आए हो, चिलचिलाती हुई धूप भी पड़ रही है, कहीं पानी भी पड़ रहा है, नीचे कीचड़ हो रहा है, जमीन गीली हो रही है, पेड़ के नीचे बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, पूरे ओमकारेश्वर के इस पूरे बेल्ट में
कहीं पर ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां लोग नहीं बैठे हुए हैं। चारों तरफ रोडों पर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रोडों के ऊपर जनता बैठी हुई है, भक्त बैठे हुए हैं। तुम इतनी मेहनत से आयो, तुम्हारा 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया तुम खर्च कर कर आयो, होटल में धर्मशाला में 5-10 रुपये 50 रुपये तुम्हारे वहां भी खर्च हुए, यहां बैठी हो तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, कीचड़ भी है, पानी भी है, सब कुछ है, भोजन मिला ना मिला, व्यवस्था मिली ना मिली, इसके बाद भी तुम बैठ कर कथा श्रवण कर रहे हो, इतनी मेहनत कर कर तुम कथा में पहुंचे हो, और उसके बाद अगर हम हमारा कनेक्शन भगवान की कथा से या शिव महापुराण से नहीं जोड़ पाए तो हमारा कनेक्शन खाली की खाली रह गया, हमारा कनेक्शन खाली की खाली रह गया। हमें हमें उस पावर से जुड़ना है, हमें उस कनेक्शन से जुड़ना है, हमें उस परमात्मा से जुड़ना है। अगर परमात्मा से जुड़ लेंगे तो यह निश्चित है कि हमारा दुख, अरे वेश है मंगल मंगल, हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़ जाएगा तो हमारे जीवन में सब मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा, सब आनंदमय होना प्रारंभ हो जाएगा। हम उसको पहचान नहीं रहे, हम उससे कनेक्शन जोड़ नहीं पा रहे, हम उससे कनेक्शन सही जोड़ नहीं पा रहे। महाराज, अच्छा एक बात आपसे पूछे, ए मेरी निमाड़की जी जी और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, दिल से कहना, पहले के जमाने में रेलवे स्टेशन किसी को छोड़ने जाते थे ना तो आंख में से आंसू आ जाते थे, बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो सही है, पहले के समय में रेलवे स्टेशन किसी को छोड़ने जाते थे तो आंख में से आंसू आते थे, आज के जमाने में लोग शमशान छोड़ जाए तो नी रोए। अरे बोलो तो सही है गलत है? पहले के समय में स्टेशन पर छोड़ने जाओ तो आंख में से आंसू झलकता था क्योंकि उससे दिल का कनेक्शन था, आज के जमाने में कहीं का पड़ोसी भी मर जाए तो लोग उसके शमशान तक छोड़ आए और शमशान में बैठ के ने मल मल के कुट्टी लगा जाए, कौन याद करे, किसी की आंख में आंसू नहीं आते, कोई नहीं रोता, कौन किसको रो रहा है, कौन किसके लिए रो रहा है, व्यर्थ। पहले दिल से कनेक्शन था, आज का कनेक्शन दिल से नहीं, आज का कनेक्शन दिमाग से है। इसने हमारे लिए क्या करा, इसने हमको क्या दिया, इसके यहां से हमारे लिए क्या आया, इन्हें मेरे लिए कई करा, ये मेरे लिए कई कर देता तुम्हें के लिए कर देता, इन्हें तो कभी भूखे का भोजन नहीं कराया, इन्हें कभी पानी नहीं पिलाया, इन्हें कभी ये काम नहीं कराया, तो ये सब कनेक्शन वाला विषय, ये सब कनेक्शन। और हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ता, पहले के समय में लोग दिल से संबंध निभाते थे, आज के समय में लोग दिमाग से संबंध निभाते हैं, जो करता है उसको कर देते हैं, किसी ने 500 का लिफाफा दिया और उसके घर में हमने 500 का लिफाफा दिया, इतनी बड़ी डायरी शादी में टेबल पे लेके बैठते हैं लोग, बोलो बोलो बैठते कि नहीं बैठते, शादी में टेबल पे उसमें लिखते जाते हैं, भानु प्रताप आया उन्हें 5 भांडा दिया, राम सिंह आया उन्हें 100 रुपया दिया, बोलो बोलो शादी में रखे कि नहीं रखे, एक टेबल पे और वो सौंफ सुपारी और सब रख के, और वहां पर एक आदमी अपना जो विश्वास वाला आदमी है ना, फूफाजी जीजाजी, वो बैठा है लिखता है, हाँ जी कई नाम तुम्हारा, के भानु प्रताप, लिख दे हमारा 5 भांडा, फिर लिख दे कई नाम, तो क्या हमारा ये क्या दिया, तो के बासिंग मशीन, फिर हमारा नाम ये क्या दिया, के 4 थाली 4 कटोरी 4 चम्मच 4 गिलास लिख लिया। बाद में वो किताब, बाद में वो कापी किस काम आई, तो क्या जब उसके घर शादी होगी ना, उसने जो दिया है ना वो हम देंगे, बस जैसे फूफा जी लिखने के लिए बैठते हैं ऐसे यमराज भी लिखने के लिए बैठता है, जैसे जमाई लिखने के लिए बैठता है ऐसा धर्मराज लिखने के लिए बैठता है। तुमने किसी को क्या दिया, किसी प्यासे को पानी पिलाया तो क्या एक अपन भी पानी पिला देगा, इसने अगर अपने को भोजन कराया किसी भूखे को तो अपन भी भोजन करा देगा, इसने जो करा, राजा कर्ण का चरित्र देख लीजिए, कर्ण मरे, कर्ण के प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद कर्ण जब गए तो उनको सोने की पूड़ी खाने को मिली, सोने का भजिया, सोने की सब्जी, सोने की इमरती, सोने का समोसा, सोने की कचौड़ी, सोने की रबड़ी, अब तो मुंह में जाए तो चबे ही नहीं, अब सोने की कचौड़ी तुमको दे दो, पूड़ी तुमको दे दो, चबेगी क्या, चांदी की कचौड़ी दे दो, पूड़ी दे दो, चबेगी क्या, नहीं। और अगर चपती हो तो तुम्हारे पांव में जो पांव की पायल है उसको चबा के बता, सोने का कड़ा हाथ में उसको चबा के बता, बड़ा कठिन,
सोने की पूड़ी, सोने की कचौड़ी, सोने का समोसा, सोने की सब्जी, सोने की इमरती, सोने का भजिया, सोने का पकौड़ा राजा कर्ण को खाने को मिला। राजा कर्ण ने तुरंत गुस्से में आकर कह दिया, ये क्या हो रहा है, मुझे सोने में तोल रहे हो, मुझे सोना खाने को दे रहे हो? तो कि तुमने पूरी जिंदगी सोने का दान दिया इसलिए तुम्हें सोना खाने को मिला। तुमने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया। और सुन राजा कर्ण, अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे, अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे, और उसने आवाज लगाकर कहा था कि मुझे पानी पिला दे। बाजू में पानी की छाजल पड़ी हुई थी, तूने पानी नहीं पिलाया। प्यासे को पानी नहीं पिलाया, भूखे को भोजन नहीं कराया, तूने सोना का दान दिया, सोना ही सोना दान दिया, इसलिए तेरे को खाने को भी सोना मिला, पीने को भी सोना मिला, सोने के लिए भी सोना मिला, ओढ़ने के लिए भी सोना मिला, तूने सोना ही सोना दिया। अब ये तो फूफा जी अपनी डायरी लिखता है। अब एक फूफा नीचे है तो दूसरा फूफा ऊपर, और ये वाला फूफा गड़बड़ी कर सकता है, पर वो फूफा कभी गड़बड़ी नहीं करे, तुरंत बता दे। मैं देखना जरा, भानु प्रताप ने कह दिया तो के चार भंडा, वो फूफा गड़बड़ी नहीं करता। उससे पूछा गया, चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया, ये सामने आया है बताओ, ये सम्मुख में आया है बताओ, इसने क्या करा और क्या नहीं करा, बोलो जरा। कितनी सुंदर बात है, दो मर गए, एक कोई तपस्वी, कोई साधु, कोई कथाकार, कोई कथा, कोई बामण मरी गया, और एक मर गया बस का ड्राइवर। दोनों मर गए, दोनों बैकुंठ की लाइन में लगे हैं। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, सवेरे खुलेगा। लाइन में सब खड़े थे, बहुत सारे लोग सब लाइन में खड़े थे, तो ये दोनों भी खड़े हो गए। सबको सवेरे दरवाजा खुला तो बैकुंठ में पूछा गया, तुम कौन? उसने बताया, ये जाओ चले जाओ। तुम कौन? बैकुंठ में, ये तो तुम उस घर में चले जाओ, तुम उस घर में चले जाओ, तुम उस घर में चले जाओ। थोड़ी देर बाद कथा वाचने वाले ने विचार करा, पंडित जी ने विचार करा, महात्मा जी ने विचार करा कि अपने तो खूब भगवान का भजन किया, अपने तो लोगों को खूब कथा सुनाई, अपने को तो बेहतरीन एसी का रूम मिलेगा बैकुंठ में, चांदी की थाली में भोजन मिलेगा, डमलप का गद्दा मिलेगा, और खूब दासियां सेवा करने वाली मिलेगी। अब बस का ड्राइवर आगे खड़ा था, वो आया, तुम कौन? मैं बस का ड्राइवर। अच्छा, एक काम करो, वो सामने जो एसी का रूम दिख रहा है उसमें चले जाओ, वहां पर दासियां हैं, चांदी का पलंग है, सोने का सिंहासन है, चांदी की थाली में खाना आएगा, आराम से खाना, जाओ। अब संत ब्राह्मण को लगा कि गजब हो गया जी, उसको ड्राइवर को इतना अच्छा रूम दे दिया तो मुझे तो और अच्छा मिलेगा। अब इतने में पंडित जी आए, पंडित जी से पूछा, तुम कौन? हम कथाकार, हम कथा करते हैं, हम बहुत बड़े महात्मा जी, हम बहुत बड़े संत जी। अच्छा, एक काम करो, सामने वो टूटा हुआ झोपड़ा दिख रहा है उसमें चले जाओ, वहां आटा चावल सब रखा है, अपनी रोटी सब्जी खुद बनाओ और खाओ, जा। पंडित जी को गुस्सा आ गया, महात्मा जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा बताओ, बस के ड्राइवर को एसी का रूम दे दिया, बैकुंठ में अच्छा रूम दे दिया, और मुझे ऐसा झोपड़ा दे दिया, ये कोई अच्छी बात है? मैं आंदोलन करूंगा, मैं हड़ताल करूंगा। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, यहां पर तो तुम्हारी फूफा जी की डायरी से चलना पड़ता है, यहां तो हमारी लेखनी से चलना पड़ता है, जो लिखा है वो हमें करना पड़ेगा। क्या लिखा तुम्हारी डायरी में? कि लिखा यह है कि तुम कथाकार होगे, तुम ब्राह्मण होगे, तुम पंडित होगे, और ये है बस का ड्राइवर। जब तुम कथा करते थे और ये बस का ड्राइवर, दोनों में अंतर है, बस का ड्राइवर बस चलाता था, इतनी तेज चला रहा था कि अंदर जितने यात्री बैठे थे सब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, राम 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 जप रहे थे, घबराहट के कारण इनके पसीने छूट रहे थे, और तुम कथा कर रहे थे, मालूम पड़े आधे से ज्यादा लोग तो दीवार से टिके टिके सो रहे थे, इसलिए तुम्हें झोपड़ा और इसको एसी का रूम मिला, तुम्हें झोपड़ा और इसको एसी का रूम मिला है। हमारे कर्म के अनुसार हमारी डायरी में लिखा होता है कि तुम्हें मिलना क्या है। तुमने क्या करा? ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा हुई, तुमने भगवान का भजन कितना करा, तुमने सेवा कितनी करी, तुमने चाकरी कितनी करी, तुमने स्मरण कितना करा, तुमने मंत्र जाप कितना करा। कल की मैं धन्यवाद दूंगा सारे गांव के लोगों को कि कल जब पानी आया तो गांव के लोगों ने अपने अपने घर खोल दिए और अपने अपने घरों में सुला दिया। सारे गांव वालों ने, सारे ग्रामीणों ने अपने घर खोल दिए, सब ग्रामीणों ने अपने अपने घर में सुला दिया, भंडारे भोजन का इंतजार नहीं करा, माताओं ने अपने घर में रोटी सब्जी बनाई और खिला दिया। ऐसे ग्रामीण के लोग और इतने सहज लोग कहाँ मिलेंगे, जरा विचार करिएगा। तुमने अच्छा कर्म करा है तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, अपना फूफा जी डायरी में अच्छी अच्छी चीजें लिखे। और ओमकारेश्वर वालों, निमाण वालों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा फूफा जोरदार है, अच्छी चीज लिख दी, अच्छा लिख दी। और लिखन वाले तू हो के दयाल, मेरे हृदय बीच शिवजी का नाम लिख,
मेरे हृदय बिच शिव जी का नैनों पे लिखना दर्शन भोले नैनों पे लिखना दर्शन भोले कानों में शिव जी का नाम लिखना कानों में शिव जी का नाम लिखना मेरे हृदय बिच शिव जी का नाम लिखना मेरे हृदय बिच शिव जी का नाम लिखना। आप क्या लिखवा रहे हैं, आपका कर्म आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ये एक एक चीज उस परमात्मा की डायरी में लिखी हुई है। सही कनेक्शन सही जगह तक ले जा सकता है। पशुपतिनाथ का व्रत करो मेरी जीजियों, मना नहीं। मेरे भाई पशुपतिनाथ का व्रत करें, मना नहीं। मेरी बेटी बेटा पशुपतिनाथ का व्रत करें, पर उस व्रत का नियम तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए कि हमें उस व्रत में दूसरे के घर का पानी नहीं पीना, हमें उस व्रत में दूसरे के घर का भोजन नहीं करना, हमें उस व्रत में अपना घर में बना हुआ बाजार का नहीं, अपने घर में बना हुआ भले इतना सा आटे का हलवा हो, चाहे पंजेरी हो, मीठा चावल हो, खीर हो, जो कुछ भी बनाऊंगी मैं अपने घर में मेरे बाबा के लिए बनाऊंगी। अपने घर का बना हुआ लेकर जाना, भले इतना सा ले जा, उसके तीन हिस्से कर लो, पर अपने घर का लेकर जा। हमें पशुपति व्रत है हमारा, हमें किसी के घर का पानी नहीं पीना। हमारा पशुपति व्रत है, हमें किसी के घर का भोजन नहीं करना। हमारा पशुपति व्रत है, हम जिस मंदिर में पहला व्रत करें, पांच व्रत हमारे उसी मंदिर में हो, भले हम कहीं पर चले जाएं, बाद में आए तब करें, पर पशुपति व्रत उस जगह पर हो जहां हमारा पहला व्रत हुआ है। अब आज के जमाने में लोगों ने पशुपति व्रत को भी ऐसा ढोंग और प्रपंच बता दिया कि पशुपतिनाथ का व्रत ऐसे करना, सुबह से उठकर कहीं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंच जाना, फिर वहां से आना, फिर ये करना, फिर वहां से आना, फिर ऐसा करना, फिर वहां से आना, वो करना। ना, जैसा तुम सहज रहते हो, जैसे तुम निर्मल रहते हो, भोले स्वभाव से, सरल स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से, बिना दिखावे के, बिना ढोंग के, बिना प्रपंच के, बिना किसी काम के, अर्थात तुम्हारे पास में अगर फूल हो तो वो चढ़ा दो, नहीं है हमें किसी से नहीं मांगना, हमें मांगना भी नहीं और किसी की पेड़ से हमें तोड़ के लाना भी नहीं। अपने बगीचे में लगाए मांग लो, अपने बगीचे का है तोड़ लो, अगर नई बगीचे में 10 रुपये 5 रुपये तुम्हारे पास में है तो बाजार से खरीद कर चढ़ा, पर किसी के पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाऊंगी। मेरे को मेरे बाबा ने जो दिया उसकी जगह मैं चावल चढ़ा दूंगी, पर मैं दूसरे के यहाँ का नहीं चढ़ाऊंगी, मेरा खुद का जो मेरे बाबा ने दिया है। और आज अगर कम दिया है तो एक दिन मेरा बाबा मुझे छप्पर फाड़ कर भी देगा। ढोंग प्रपंच में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे से परे होकर अपने जीवन को जी, दिखावे से परे होकर। और खाली ना दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा उठा, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही उठा। एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ परमात्मा को रिझाइए। तारकासुर के तीन बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, तीनों पद्री हो गए, तीनों को वर मिल गया, तीनों को अच्छा वर प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने उनको खूब सारा वर दे दिया, ब्रह्मदेव ने खूब सारे वर दे दिए, तो उनका अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। 5 बार पशुपति व्रत कर लो, चाहे 50 बार कर लो, 4 साल से तुम मंदिर जा रही हो, चाहे 5 साल से जा रही हो, कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी भी चिल्लाकर मत बताना। क्या क्या चीज, जम के बोलो, जम के बोलो, कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी चिल्लाकर मत बताना, कभी भी नहीं। अपने पुण्य का बखान मत करो, मैं 5 दिन से मंदिर गई, मैं 50 बार गई, मैंने 15 दिन से कथा सुनी, मैंने इतनी कथा सुनी, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने आटा दिया, मैंने चावल दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, अपने पुण्य कभी मत बोलना। और अगर किसी ने पाप भी कर दिया, गलत काम भी कर दिया, किसी ने बेकार काम भी कर दिया, तो कभी उसके पाप का चिल्लाकर घोषणा मत करना, ना अपने पुण्य की करो, ना किसी के पाप की करो। सब बाबा को मालूम है कि तुम्हारा पुण्य कितना है और तुम्हारा पाप कितना है।
हम दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं ना, जब हम एक उंगली उठाकर कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा है, ये तीन उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि तुम अंदर से कैसे हो। जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये तीन उंगलियां हमारे ऊपर जाती है। इसलिए स्मरण में रहे, अपना पुण्य किसी को मत बताना कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने भोजन कराया, मैंने बिस्कुट बांटा, मैंने पानी बांटा, मैंने भंडारा किया, मैंने ये किया। नहीं, अपना पुण्य मत बताओ और दूसरे का पाप मत बताओ। कई लोग दूसरे का पाप बताते हैं, वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो ऐसा बोल दिया, उसने तो वो कर दिया, उसने तो ना। दूसरे के पाप का ढिंडोरा मत पीटो और अपने पुण्य का ढिंडोरा मत पीटो। पुण्य को भी छुपा कर रखो और दूसरे के पाप को भी छुपा कर रखो तो जिंदगी सार्थक हो जाए। पर हमारी आदत बड़ी विचित्र है, हमारी आदत बड़ी बेकार है। हम पुण्य का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पाप का भी ढिंडोरा पीटते हैं। पाप किसका देखते हैं? दूसरे का। और पुण्य किसका देखते हैं? अपना। हम पाप का भी ढिंडोरा पीटते हैं तो दूसरे का पीटते हैं, उसने ऐसा कर दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, बड़ी बहू ऐसी कर रही थी, छोटी बहू ऐसी कर रही थी, सास ने ऐसा कर दिया, मम्मी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया। अरे सब बुरे हैं, मान लो सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, जेठानी बुरी, ननन बुरी, नंदोई बुरा, पति बुरा। कभी कभी पत्नी पति से भी कहती है तुम तो हो ही ऐसे, पति भी बुरा, बस तू ही जोरदार। अरे बाबा, शिव महापुराण की कथा कहती है ना, अपने पुण्य का ढिंडोरा पीटना ना अपने दूसरे के पाप का। दूसरे के पाप का ढिंडोरा मत पीटो पर अपने पाप का ढिंडोरा पीटो कि भगवान के सामने जाना तो परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके ना, मेरे ओ घरदानी, मेरे ओंकारेश्वर बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे जैसे पापी को तार देना मेरे बाबा, मेरे ठाकुर, मेरे भोलेनाथ, मेरे बाबा, इस पापी को तार देना। अनजाने में ना जाने कितने पाप कर्म हो जाते हैं, अनजाने में ना जाने कितने पाप कर्म इस शरीर से हो जाते हैं, जिह्वा से हो जाते हैं, नेत्रों से हो जाते हैं, श्रवण से हो जाते हैं, वाणी से हो जाते हैं। मेरे बाबा, इन पापों को कोई नहीं काट सकता, पर तू काट देना। अपने पाप परमात्मा को जरूर बोलो, परंतु हमारी आदत है हम दूसरे के पाप दुनिया के सामने प्रेषित करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं ना। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, पर ना पछताए भगवान की बच नहीं पाए। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। हम अपने पुण्य का ढिंडोरा ना पीटे। तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुम्बाली और कमलाक्ष की, भगवान ब्रह्मदेव का तप किया, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, वर दीजिए हम मरे तो एक साथ तीन पुरियों का निर्माण कर दीजिए और हमारे प्राण छूटे तो एक साथ। तीनों ने विचार कर लिया, तीनों कभी इकट्ठे मत होना, तीनों कभी एकाग्रित मत होना, तीनों एक जगह पर मत मिलना, अगर मिलेंगे तो मर जाए, तीनों मत मिलो कभी। तीनों बहुत उपद्रव मचाने लगे, बहुत उपद्रव मचाया उन्होंने बहुत। जब वर मिल जाता है, जब हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो जाता है, जब हमें बहुत कुछ मिल गया, माना आप बहुत विद्वान हो गए, माना आपके पास में बहुत वैभव हो गया, माना आपके पास में बहुत दौलत हो गई, माना आपके पास में बहुत सत्ता हो गई, माना आपके पास में एक से बढ़कर एक डिग्रियां हैं, माना आपने बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त कर ली, माना आपने सब कुछ अपने पास में रख लिया, फिर भी एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ, आप कितने बड़े भी धनपति और करोड़पति बन जाओ, पर एक चीज का अंदाजा लगा कर रखना कि विद्वान के साथ, विद्वत्ता के साथ में, धनपति के साथ में, करोड़पति के साथ में, अपने भीतर नम्रता जरूर रखना। नम्रता रखोगे तो जीवन का सुख आपके साथ में। नम्रता वो अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है, एक विनम्रता अपने जीवन का बहुत बड़ा पहलू है। जितनी विनम्रता, जितनी मीठी वाणी, जितनी अच्छे शब्द, जितनी अच्छी वाणी आप दुनिया के लिए बोल सकते हो उतना बोलने का प्रयास करिए। तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव मचा दिया, तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुम्बाली, कमलाक्ष के उपद्रव मचा दिए, बहुत उपद्रव मचाया। देवता परेशान हो गए, सारे देवता परेशान हुए तो विचार कर, आप करें तो करें क्या, क्या कर, क्या कर सकते हैं अपन। सारे देवताओं ने मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करी, भोले बाबा कृपा कर, करुणा कर, दया कर, हे शिव हे शंकर हे करुणा सागर हे त्रिकालदर्शी हे कैलाशी हे अविनाशी शिव कृपा कर, बाबा करुणा कर,
आप कृपा करेंगे तो दुनिया कृपा करेगी, आप दया करेंगे तो दुनिया दया करेगी, आप कृपा करें। और दया करो भगवान सब पर दया करो, दाता दया निधान सब पर दया करो, हम तेरी संतान सब पर दया करो, बाबा दया निधान सब पर दया करो, दया करो भगवान सब पर दया करो, हम तेरी संतान सब पर दया करो, हम तेरी औलाद हैं, हम तेरी संतान हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करती है, कौन करता है सबसे ज्यादा गुस्सा? शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा गुस्सा मां करती है। सबसे जल्दी राजी कौन होती है, सबसे जल्दी राजी कौन हो जाता है? मां। मां जितना जल्दी गुस्सा करती है, जितनी तेज गुस्सा करती है उतनी जल्दी राजी हो जाती है, जितना गुस्सा करती है मां उतनी जल्दी राजी हो जाती है। मां रूपी धन, मां रूपी रतन को समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव किया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी देवताओं ने, तो शिव जी ने कह दिया तुम चिंता मत करो, 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, तुम सब पशु बनो मैं तुम्हारा पति बनूंगा। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारा साथ देने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हें संभाल कर रखने वाला, पति का मतलब होता है कि जो तुम्हारी सुख दुख का साथी हो वो पति कहलाता है, उसको पति कहते हैं। और मालूम पड़े तुम्हारे सुख दुख में वो शामिल ही नहीं है, तुम्हारे सुख दुख में कोई साथ ही ना दे रहा तो पति कैसे कहेंगे? शिव जी कह रहे हैं मेरा एक नाम बनने जा रहा है, कौन सा? पशुपति नाथ, पशुपति नाथ मेरा नाम बनने जाएगा, मैं मेरे को लोग पशुपति नाथ कहेंगे। पति का मतलब होता है कि मैं संपूर्ण विश्व में जितने भी जीव हैं, चराचर हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं, संसार में जितने लोग पैदा होते हैं, शंकर भगवान कहते हैं उन सबका पति मैं रहूंगा, उनका भरण पोषण करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला पशुपति। एक काम करो तुम सब पशु बन जाओ, सब पशु बन जाओ। सारे देवता पशु बन गए, शंकर जी ने बड़े नंदी का रूप रख लिया, बड़े नंदी का रूप रखकर भगवान शंकर उनको लेकर भागे और भगवान शिव ने कह दिया कि तीनों देव तीनों असुरों के पुरियों में प्रवेश कर जाना और उन तीनों को बाहर निकाल लेना। तीनों की पुरियों में प्रवेश कर गए, तीनों को बाहर निकाल लिया। शंकर भगवान ने नंदी बनकर बड़े पशु का रूप रखकर अपने सींग से उनको मारने का प्रयास किया। जो मारने का प्रयास करा नीचे से तारकाक्ष निकला, तारकाक्ष ने भगवान शंकर का सिर काटा, सिर कटा गिरा नेपाल की धरा पर, धड़ पृथ्वी पर। तुरंत जैसे धड़ गिरा शिव जी ने तुरंत अपना असली स्वरूप धारण करा और शंकर जी ने त्रिशूल उठाकर तीनों असुरों का संहार कर दिया। भगवान का जहां धड़ है वहां पर आज भी लोग केदारनाथ कहते हैं और जहां भगवान का शीश है उसको पशुपति नाथ कहते हैं, पशुपति नाथ। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पशुपत्य अस्त्र को स्वीकार कर लें। भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर की इतनी आराधना करी थी उस पशुपत्य अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, पशुपत्य योग को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने तप किया, भगवान कृष्ण ने साधना करी, भगवान कृष्ण ने बहुत तप साधना करी। और जरा ध्यान दीजिए, राम जी ने तप साधना कर कर पशुपत्य अस्त्र प्राप्त करा, भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया। हमारी इतनी साधना नहीं है, हमारा इतना तप बल नहीं है, हमारा इतना तेज भजन नहीं है, हमारी इतनी साधना नहीं है कि हम पशुपति अस्त्र को अपन ले सकें भगवान शंकर से। पर भगवान पशुपति नाथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जो पशुपति अस्त्र के बराबर होता है अगर हम उस व्रत को धारण करते हैं। पशुपति अस्त्र हमारे बस का नहीं है, पशुपति व्रत हमारे बस का है। हमारे बीच में परम पूज्य संत शिरोमणि पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद।
पूज्य परम पूज्य नर्मदन जी बाप जी हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव तत्व की प्राप्ति हो शंकर ओ घड़ी, शिव महापुराण की कथा कह रही है। हम पशुपात्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर पाते, हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त नहीं कर पाते, पर हम पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं। हम पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं, हम पशुपति व्रत को जितना धारण करेंगे, पशुपति व्रत को हम धारण करें और पशुपति व्रत को धारण कर हम भगवान की अविरल भक्ति को पा सकते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? हम कर सकते हैं। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो, शंभु शरणे परी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ऐसा कौन सा कार्य? मेरे राम जी को भी पाशुपत्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, मेरे भगवान कृष्ण को भी पाशुपत्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, और संसार वासियों के लिए वेद व्यास जी ने पाशुपति व्रत का स्मरण कराया कि पांच सोमवार का व्रत होता है, हृदय से दिल से मन से भाव से जो करता है, सुबह के समय स्नान कर पूजन की तैयारी करो, पूजन की थाली साथ में लेकर जाओ, सारा साहित्य जो तुम्हारे घर में हो वो लेकर जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक पूजन करिए, बाबा का पूजन कर थाली को वापस लेकर जाओ, वही थाली रख दो, शाम को उसी थाली को लेकर जाना है। कितने दिए जम के बोलो जरा, 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है और बाबा को प्रणाम करने का भाव लेकर जाना है। थाली में दिए रख लो, प्रसाद रख लो, प्रसाद के हिस्से घर से कर मत लेकर जाना, मंदिर में बैठ कर प्रसाद के हिस्से करना। प्रसाद का हिस्सा कब करा जाता है? जब 5 दिए मंदिर के अंदर लग गए, उसके बाद में प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से तब करे। भगवान के मंदिर में पूजन अर्चना करो, अर्चना पूजन करने के बाद में दिए रखकर दिए पूरे 6 जमीन पर रखिए, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर लीजिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए, बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कह दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा आप इसे स्वीकार करना मेरे दातार, मैं बस आपके भरोसे हूँ मेरे बाबा, ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, मेरा व्रत स्वीकृत हो। बाबा को प्रणाम करो, 5 दिए जलाए हुए रखो वहीं पर, 1 दिया बिना जला उसको वापस थाली में रख लो, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में लेकर वापस सजाओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो उस समय पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर बैठ जाओ, घर की ओर अपना मुख कर लो और वहीं पर बैठकर 6 नंबर का जो दिया है वो जला दो, वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा मेरे व्रत को स्वीकार करना, मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया, बाबा को विनय करना, निवेदन करना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए, बीच में रजस्वला धर्म आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई चतुर्थी तीज पंचमी तुम्हारा कोई व्रत आ जाए छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो, पर करना 5 ही है, एक ही मंदिर में करना है जिस मंदिर में तुमने पहला व्रत करा। 5वां व्रत जब आए तब बाबा के लिए एक श्रीफल भेंट कुछ भी 108 जो तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, फूल हो पत्ती हो चावल हो मूंग हो, जो बाबा को दे सकते हो वो बाबा को समर्पित कर बाबा को दिल से प्रार्थना कर फिर वही की वही क्रम जैसा करा है। प्रसाद का जो 1 हिस्सा तुम लेकर आते हो उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है, उसको पहले जब भोजन करने बैठोगे उस भोजन के पहले उस प्रसाद को खा लेना है, फिर अपना भोजन ग्रहण करना है। इसको कहते हैं पशुपतिनाथ का व्रत, जो जीव के कल्याण हेतु किया है, जीव कल्याण हेतु किया है, संपूर्ण विश्व कल्याण हेतु किया जाता है, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु किया जाता है और संपूर्ण आनंद को देने वाला होता है, ये जीवन को सुख प्रदान करने वाला होता है। और मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ,
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, हम उसके आश्रित हो जाए, हम उसके भरोसे हो जाएं, उसके चरणारविंद में हमारी दृढ़ता प्रबल हो जाए, हम उसके आश्रित इतने हो जाएं कि जो करेगा मेरा ओमकारेश्वर बाबा करेगा, जो करेगा मेरा महाकाल बाबा करेगा, जो करेगा मेरा कुबेर भंडारी करेगा। और मेरा बाबा, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भक्ति पक्की है, तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो ये मानकर चलना जैसा बाप अपने बच्चे की उंगली को पकड़कर चलता है, बाप को ठोकर लग जाती है तो बाप बच ले, उसी तरह अपनी औलाद को ठोकर नहीं लगने देता, वो औलाद को गोदी में झेल लेता है, उसको गिरने नहीं देता, वो गिरने नहीं देता। अच्छा, दुनिया समझती है कि परमात्मा नहीं देख रहा है, दुनिया समझती है कि भगवान नहीं देख रहा है। तुम अपने मोबाइल का डाटा ऑन ऑफ कर सकते हो, तुम्हारा मोबाइल ऑनलाइन नहीं आएगा, कभी कभी ऑफलाइन भी हो जाएगा, तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा, ऑफलाइन हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल का डाटा ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है, पर परमात्मा कभी ऑफलाइन नहीं होता, वो तो ऑनलाइन पूरी जिंदगी रहता है। मेरा परमात्मा ऑनलाइन रहता है हमेशा, वो देखता रहता है कि तेरे कर्म क्या है, तूने क्या कर्म किया, तूने कैसे भजन किया, तूने कैसे स्मरण किया, तू क्या करा, किसका दिल दुखाया, क्या करा तूने। मेरा परमात्मा 24 घंटे हर पल हर घड़ी हर श्वास हर क्षण में ऑनलाइन है, वो हर पल है, बस उसको महसूस करने वाला चाहिए। उसको कब महसूस करता है व्यक्ति, जब बड़ी खुशी का समय आता है तो परमात्मा याद नहीं आता। परमात्मा शादी में, ब्याह में, घर में कोई कार्यक्रम हो, उसमें भगवान की कोई पूजन हो रही ना, तो तुरंत, अरे कोई बात नहीं, शादी में लेट हो रहे हैं, इतनी देरी हो रही, माता पूजन जाना है, मंडप का समय है, मांडा डालना है, मायरे का समय है, मायरा होना है, नी यानी सामान ऐसे करा दो पंडित जी, ऐसे करा दो, नी यानी सामान ऐसे करा दो, मांडा का समय है, मंडप का समय है, पंडित जी ऐसे ही करा दो, नियनी समान कोई बात नहीं, अपने तक हम ऐसे ही करा दो, ऐसे ही करा दो, बस ऐसे ही करा दो। तो एक काम करा करो, जब ब्यूटी पार्लर वाली तुम्हें तैयार करे तो उस समय भी बोल दो नियनी समान ऐसे ही कर दो, नियनी समान कर दो, तो पार्लर वाली भी एक को तो पेंसिल लगाए, दूसरे को धागे से दो घंटे तक वो बाल ऐसा ऐसा इधर से नोच गया, अब मालूम पड़े तुमने कह दिया धागा टूट गया। अब उस समय पर पूजन के समय पे क्या बोल रही, नहीं है नहीं ऐसी करा दो, अब मालूम पड़े वो धागा से कर रही, जो धागा ही टूट गया, वो गिट्टी में धागा नहीं है, फिर रहने दे। अब एक से तो भानुमती लग रही और दूसरी से राम प्यारी लग रही, अब पता नहीं तुम तो ऐसी करा दो। अरे बाबा, शिव को पहचानना बहुत कठिन है, शिव को मेरे ओघड़दानी को जानना बहुत कठिन है, मेरे शंभू को पहचानना बहुत कठिन है, बहुत। और धीमा बजाओ भोलानाथ। देखो, हमारे पास में एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने लिखा, गुरुजी आज भजन बिल्कुल मत गाना। उसका कारण यह है, गुरुजी हम बड़ी मुश्किल से सूखी जगह में बैठे हैं, तुम्हारे भजन के चक्कर में हम खड़े होंगे और दूसरा सूखी जगह में बैठ जाएगा और हमारी जगह चली जाएगी, इसलिए भजन मत गाना। परंतु देखो, शिवपुराण में हम वैसे भी ज्यादा भजन नहीं गाते, एक या दो भजन बड़ी मुश्किल से कहीं मिल गया तो उसको गुनगुना लेते हैं, तुम्हारा मन होए तो। और अगर पत्र है तो उसने कहा कि गुरुजी हमारी जगह में, तो हमारा निवेदन है कोई किसी की जगह पे नहीं बैठेगा,
ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे। और श्रेष्ठ संस्कार व्यक्ति को एक दिन अच्छी मंजिल तक पहुंचा देता। गणेश जी बहुत छोटे थे, उनका सिर कट गया था, माता ने संकल्प लिया था जिस दिन मेरे बेटे का अगर शीश कट गया है, मेरे बेटे का सिर अगर जुड़ गया तो मैं गंगा मैया तुझे 1,25,00,000 दीप दान करूंगी। और गंगा मैया के तट पर गणेश जी छोटे से उनको गोदी में लेकर, माँ पार्वती जी भगवान शंकर को लेकर 1,25,00,000 दीप लेकर गंगा के घाट पर पहुंच गए। 1,25,00,000 दीप लेकर गंगा के घाट पर पहुंच गए। अब गणेश जी छोटे से हैं तो उनको घाट पर गंगा जी से थोड़ा दूर बिठाया, गंगा जी से थोड़ा दूर, क्योंकि बच्चा है ना, छोटा सा बालक है, अगर गंगा जी के नजदीक में आ जाएगा, गंगा जी के पास में चले गए, पानी में बह गए, तो थोड़ा दूर बिठा। दीपदान करना आता है आप लोगों को? अरे बोलो तो जम के, कौन कौन को आता है दीपदान करना? जिसको दीपदान करना आता है जरा बताएंगे कि दीपदान कैसे करते हैं, दीपदान करने का नियम क्या है। दीपदान करने का नियम है जहां से नदी बहकर आती है उस ओर मुख करा जाता है, जहां से नदी बहकर आ रही है उस ओर मुख करा जाता है, और दिए को नदी को जहां से बहकर आ रही है उधर देखकर छोड़ा जाता है। दीप कहां बहकर जा रहा है वो नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि हमने मां नदी को, गंगा जी को, नर्मदा जी को जहां से बहकर आ रही है वहां देखकर दीप छोड़ा है। अब गंगा जी के तट पर भगवान शंकर पार्वती जी 1,25,00,000 दीप लेकर पहुंच गए, जहां से गंगा जी बहकर आ रही थी उधर मुख कर लिया, गणेश जी पीछे बैठ गए, और मां भोलेनाथ जी दिया लगा लगा कर दें, पार्वती जी दिया छोड़ती जाए, बाबा दिया लगा कर दें, पार्वती जी दिया छोड़ती जाए। अब गणेश जी देख रहे थे कि दिया बेहता बेहता आ रहा है, तो गणेश जी पीछे से खसक 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। अब इनकी सूंड लंबी, जैसी दिया मैया विसर्जन करती गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख लेते, मैया विसर्जन करती जाती गणेश जी दिया पकड़ के वापिस रखते जाते। 4 घंटे बीत गए पर 1,25,00,000 दीप जितने की जितने थे उतने की उतनी बने रहे। आखिरी में पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ जी समझ में नहीं आ रहा है ये दिए इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं, मैंने इतने देर से दिए दान कर रही पर दिए तो कमी नहीं हो रहा है। शंकर भगवान बोले, हमने ब्रह्मा जी के मुंह से सुना है जितना दान करो उतना बढ़ता है, इसलिए दिए बढ़ रहे, इसलिए दीपक बढ़ रहा। पार्वती जी ने कहा तुम जल्दी जल्दी दिया दो, शंकर भगवान और जल्दी दिए देने लगे, गंगा जी में छोड़े और गणेश जी और जल्दी पकड़ के रखते जाएं। थोड़ी देर बाद शंकर जी के पांव के पास में गणेश जी की सूंड नजर आ गई। जो सूंड नजर आई तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी तुम कह रही थी दिया कहां से बढ़ रहा है, कहीं से नहीं बढ़ रहा, तुम छोड़ रही हो तुम्हारी औलाद पकड़ रही है। और गणेश जी भी कोई छोटे मोटे नहीं होंगे, हमारे राघव जैसे ही होंगे, जोरदार सूंड सुंडाला और नयन विशाला। अब पकड़ रहे हैं गणेश जी, रखते जा रहे। इतने में पार्वती जी गणेश जी के पास में गई और भगवान गणेश जी के पास में जाकर माता पार्वती ने कहा, पार्वती जी बोली, गणेश क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले, मैया ये सारे बहकर जा रहे थे ना, मैंने इनको पकड़कर किनारा दे दिया। इतने में तुरंत माता पार्वती जी ने कहा, गणेश इस संसार सागर में, भव सागर में कितने बहकर जा रहे हैं, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं, मैया जो एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाएगा उसका हाथ पकड़कर मैं किनारा दे दूंगा। जो एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर तक जाता है उसको किनारा देने की जवाबदारी मेरी है, उसका हाथ पकड़कर किनारा देने की जवाबदारी मेरी है, मैं दूंगा उसको। और देखिए एक पत्र आया, मेरा नाम अनुश्री, पति सचिन वर्मा है, हम भीकन गांव के रहने वाले हैं, जिला खरगोन में, जिला खरगोन है, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हैं क्या? अनुश्री, पति सचिन वर्मा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कैच करिए जरा कैमरे में। बच्चों को लाए हैं? बच्चों को लाए हैं तो लेकर आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम अनुश्री, पति सचिन वर्मा है, हम भीकन गांव के रहने वाले हैं गुरुदेव, खरगोन जिले के। मैं भगवान शंकर की कथा का क्या बखान करूं गुरुदेव, शायद दुनिया के लोग भरोसा नहीं करेंगे, क्या शिवपुराण ऐसा दे सकती है? 9 साल तक तो हमें बच्चे नहीं हुए गुरुदेव, और 9 साल तक बच्चे नहीं हुए, जब बच्चा पहला हुआ तो वो मर गया, दूसरा बच्चा हुआ तो विकलांग हुआ वो भी मर गया, इतनी दुखी हो गई। आखिरी में किसी ने, डॉक्टर साहब बोले कि अब तुम चांस मत लो, तुम्हें औलाद नहीं होगी, अब औलाद का चांस ना लिया जाए। तब
मेरे परिचित ने कहा कि एक बार सीहोर चलो, कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, वहां जाकर पूजन करके आते हैं, बाबा को निवेदन कर आते हैं। हम लोग बाबा को निवेदन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम गए, वहां पर बाबा से विनय करी, बाबा मेरे बच्चे चले गए और मेरे घर में औलाद नहीं है, पर मैं जानती हूँ तू झोली भरता है तो छप्पर फाड़ कर भरता है, बाबा तेरे यहाँ से कोई खाली नहीं गया, बाबा मेरे दो दो बच्चे चले गए और मेरे यहाँ संतान नहीं है, तू कृपा करना बाबा, मुझे औलाद देना बाबा। बाबा को नमन कर हम आ गए। आप कहते हो कथा में कि आखिरी दिन की कथा जो बैठ कर सुनता है, जो मांगता है, बाबा उसको देते हैं। आप कहते हो कि मेहमान जाते जाते कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मैंने भीकन गांव की कथा को आखिरी दिन सुना था और पंडाल में जमीन पर जिस भूमि पर बैठी थी वहां की रज को अपने पेट पर लगा लिया था। बाबा को विनती करी, बाबा मुझे औलाद जरूर देना और बाबा तू खाली नहीं रख सकता, मैं जानती हूँ। बाबा मैं कुबेरेश्वर धाम पर जाकर अपनी दो औलाद के लिए रोई और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। 2 सितंबर 2023 को मेरे बाबा ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा से 2 सितंबर 2023 को मेरे गर्भ से 3 बच्चों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 3 बच्चों ने जन्म लिया जिसमें 2 लड़के 1 लड़की है। हमने लड़की का नाम खुशी रखा है और लड़के का नाम शिवाय रखा है और दूसरे का नमः सत्यम शिवाय रखा है। हमने 3 बच्चों को लेकर आए हैं गुरुदेव, 3 बच्चों के फोटो भी लगा रहे हैं और 3 बच्चों को हम लेकर भी आए हैं। फोटो देख लीजिए 3 को LED पर, आस्था चैनल पर, और 3 बच्चों को वो लेकर आ भी रहे हैं। ये शिव तत्व है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबेर भंडारी देता है छपार फाड़ कर। वो सहजता में नहीं है, वो सहज नहीं है। बोलबम का नारा है। एक पत्र और इधर भी, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहर बसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो जी जा रहा हो उठा लो। मेरा नाम अंजू सुमेर सोलंकी, ग्राम बड़ूद, क्या बोलते हैं गांव कौन सा है, बड़ूद, ठीक है बड़ूद, जिला खरगोन, तहसील सनावत। मैं शिव महिमा का क्या वर्णन करूं, कहीं बैठे हैं अंजू सुमेर सोलंकी कहीं बैठे हैं, बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं शिव महिमा का क्या बखान करूं, पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हैं। प्रभु जी सन 2023 में मुझे 3 गठान डॉक्टर ने बताई थी, फिर 2024 में 4 गठान बता दिया, फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन की तारीख आई, उससे पहले हम लोग विचार करें कि करें क्या। तब किसी के कहने पर हमने शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री उठाते, नंदी के पास बैठती और खा लेती, बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मुझे 4 गठान बताई है और ऑपरेशन होना है, बाबा कृपा कर दो। गुरुदेव कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर नंदी के पास बैठकर बेलपत्री खाती, बाबा से प्रार्थना करती, 15 दिन निकले और वापिस मैंने जांच कराई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी गठान गल गई। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ, मेरी गठान गल गई नॉर्मल, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है, कहीं बैठी है अंजू सुमेर सोलंकी, ग्राम बड़ुद, जिला खरगोन, तहसील सनाव। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव तत्व की प्राप्ति, अपने जीवन में ऐसा कर्म करना जो जनमानस के हित का कर्म, संपूर्ण विश्व के कल्याण का हित। भगवान
वो घड़दानी देव अधिदेव महादेव भगवान शिव विराजमान। दो असुर विदल और उत्पल जो माता पार्वती जी को देखकर आसक्त हो गए, मानव की देह हो मनुष्य का शरीर हो, निवेदन है किसी स्त्री पर किसी नारी पर किसी बहन पर कभी गलत दृष्टि मत देना, वरना अगला जन्म नेत्रविहीनता का पैदा होगा। हरि लुटा दिया कर दिया माला माल काशी बारे, कर दिया माला माल काशी बारे, लुटा दिया भंडार। रोते नहीं, आपको खुश होना चाहिए। कर दिया माला माल काशी बारे, रोकर नहीं खुश होकर जा बेटा, खूब बाबा की कृपा है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया काशी वाले, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। हम तो निवेदन करेंगे अगर सब जगह से हार जाओ तो एक बार जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जरूर जाओ, सब जगह से हार जाओ तो एक बार जीवन में कुबेरेश्वर धाम जाना, प्रणाम करना, कंकर शंकर पूजन करना, एक रुद्राक्ष बाबा से मांग कर लेकर आना, और बन सके तो तुम्हारे नगर के आसपास में, जैसे वो बेटी ने भीकन गांव की आखिरी दिन की कथा सुनी और वहां बैठकर जमीन को पेट पर रज को लगाकर बाबा से विनय कर लिया, बाबा कुछ भी कर मेरी गोदी भर संतान। ये आप लोगों को लगता होगा कि ये शिव महापुराण की कथा है, पर हम तो कहते हैं ये शिवपुराण की कथा नहीं है, ये मेरे भोलेनाथ का वो शिविर है जिस शिविर में जो आ जाता है उसके सारे दुखड़े समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख। एक पत्र में एक बहन लिख रही है, मैं विनीता शर्मा पति त्रिभुवन शर्मा दिल्ली के निवासी हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, दिल्ली से हैं। मैं विनीता शर्मा पति त्रिभुवन शर्मा दिल्ली के निवासी हूं। गुरु जी, मेरे पति के अंदरूनी गठान हो गई थी, जब उन्हें मुझे बताया तो गठान हुई तो मैं बहुत चिंतित हो गई। उसी समय आपकी कथा मथुरा कोसी में चल रही थी, कोसी में जब कथा चल रही थी तब मेरे पड़ोसी ने बताया कि मैंने सुना है कि सियोर वाला महाराज कथा करता है तो पंडाल में बैठकर अगर सुनो और बाबा से विनती करो तो सब कुछ हो सकता है। मैं अपने पति को लेकर कोसी की कथा में पहुंच गई और कथा सुनी एक दिन की और बाबा से विनती करी और ऐसी विनय। दूसरी बार मेरे पति डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो गठान गायब थी, गठान नहीं थी। मैं बाबा को नमन करती हूँ। गुरुदेव, कुछ दिन के बाद मेरे तो बाबा ने मेरे पति को अच्छा कर दिया, कुछ समय के बाद में साल 2020 में मेरे मुंह में इतने छाले छाले हो गए थे, मैं आपकी कथा सुनती थी। आपने कथा में कहा था कि शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीना चाहिए, पर मैं शिव मंदिर नहीं जा पाती थी। उस समय पर मैं शंकर मंदिर नहीं जाती थी और कथा जरूर सुनती थी पर मंदिर नहीं जा पाती। मेरे मुंह में छाले हो गए, बहुत दिन तक छाले रहे, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कैंसर बता दिया। डॉक्टर ने जब कैंसर बता दिया तब मैं घबरा गई। अगर कहीं बैठी हो तो कथा में व्यासपीठ पर आ सकती हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है, विनीता शर्मा पति त्रिभुवन शर्मा दिल्ली से, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे कैंसर बता दिया। हम घबरा गए, फिर वापिस हम परेशान होकर बड़े हॉस्पिटल में गए। 15 दिन तक रेगुलर हॉस्पिटल में जाने से पहले शंकर जी को जल चढ़ाया, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पिया और बाबा को विनती करी, बाबा हमने सुना है कि तू सब संभालता है, जिस दिन मेरा ये कैंसर समाप्त हो जाएगा मैं तेरे दरवाजे पर आकर कथा सुनूंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि मैंने जब AIMS हॉस्पिटल में जाकर अपोलो में दिखाया और मेरा चेक चालू हुआ चेकअप, तो बाबा की कृपा से मुझे कैंसर नहीं निकला। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व कहीं बैठी हो तो व्यासपीठ से आकर एक बेलपत्र ले जा सकते, शिव तत्व है।
रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा मैं हूँ संबंध, ये रिश्ते, ये नाते, ये कुटुंब, ये कबीला, एक बार संबंध जोड़ो मेरे महादेव से, शिव महापुराण से। अगर तुम्हारा संबंध है, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते हो, मोबाइल पर कथा सुनते हो, पंडाल में कभी मौका मिल जाए और कथा श्रवण करते हो, हम तो गंडई वालों को कहेंगे, छत्तीसगढ़ वालों से कहेंगे कि गंडई की पवित्र भूमि पर दोपहर में, वो एक बजे से कथा नहीं, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 18 तारीख से, ये कथा कल 15 तारीख को यहाँ पर विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 18 तारीख से गंडई की पवित्र भूमि पर कथा प्रारंभ हो जाएगी। उमा महेश, दिल से उसको श्रवण करो, जैसे ओंकारेश्वर की पवित्र धरा पर बैठकर आपने कथा सुनी, दिल से बाबा से प्रार्थना करी, मेरा विश्वास कहता है इन पत्रों में अगली कथा कहीं होगी तो 3 महीने में तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा। तीन गठान थी, 2024 में फिर दिखाया डॉक्टर को तो 4 गठान हो गई थी। बाबा पर भरोसा कर सीहोर पहुंच गई, बाबा से विनय करा, रुद्राक्ष का जल लाकर शिव को समर्पित कर पीना प्रारंभ करा, और बाबा अभी देव अधिदेव महादेव की कृपा से नॉर्मल रिपोर्ट आई, 4 गठान गल चुकी बाबा की कृपा। रिश्ता आप बोलिए, तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। दुनिया कहे कहने दो, कोई तुमसे कहे शंकर के मंदिर मत जाओ जरूर जाओ, कोई तुमसे कहे शिव महापुराण में मत जाओ जरूर जाओ, कोई तुमसे कहे शंकर की स्तुति मत करो, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई तुमसे कहे बेलपत्र मत खाओ, खाओ। उस बहन से पूछो जिसकी आंख में से आंसू झड़ रहे कि 9 साल तक बच्चे नहीं हुए तो मर गए, और बाबा ने दिए तो मेरे बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया। कोई पूछे उस बहन से पूछो जिसके शरीर में 4-4 गठान हो गई, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, और एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम की खाती है और बाबा पर विश्वास भरोसा करती है। वो दिल्ली वाली बहन से पूछो जिसे डॉक्टर कैंसर बता देता है और फिर बाबा पर भरोसा करती है, कुंदकेश्वर का स्मरण करती है और देवाधिदेव महादेव करुणा करता है। ये शिव है, ओघड़ दानी है, शंकर है, उस पर करा गया भरोसा, उस पर करा गया विश्वास कभी जिंदगी में टूट नहीं सकता। दुनिया भरोसा तोड़ देगी पर मेरा महादेव कभी भरोसा नहीं तोड़ेगा, भोलेनाथ कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे। सीओर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, क्योंकि जैसा आप है वैसा सीओर वाला महाराज है। आप मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं, आप 2 रोटी खाते हो, हम भी 2 रोटी खाते हैं, आप जैसे हो वैसे हम हैं, हम पर भरोसा मत करो, सीओर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, भरोसा करना तो देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करना, क्योंकि वो देगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में सीओर वाला महाराज आकर खड़ा नहीं होगा, तुम्हारी दुख की घड़ी में कोई महाराज आकर नहीं खड़ा होगा, तुम्हारी दुख की घड़ी में संसार का कोई बड़े से बड़ा गुरु भी तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा नहीं होगा, तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम अकेले होगे, और तुमने जो महादेव की कथा सुनी, एक लोटा जल चढ़ाया, वो तुम्हारी दुख की घड़ी में कालाधिपति आकर खड़ा होगा। तुम किसके आश्रित हो? तुमसे कोई कहे सीओर वाले महाराज की कथा सुनने जाते हो? ना, सीओर वाला महाराज कहता है ना तो वो कथा बाँचता है, ना हम कथा सुनते हैं, ना कोई कथा करवाता है। शंकर भगवान कथा वाचते हैं, शंकर भगवान सुनते हैं और शंकर भगवान करवाते हैं। हमारी सामर्थ्यता नहीं, यहाँ पर हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर लें, कराने वाला वो है त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, उस पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो, उसकी दृढ़ता रखो। ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, केवल दिल से पुकार लो श्री शिवाय, दिल से पुकार लो बोल बम का नारा है, हम दिल से उसको पुकार ले, वो हमारा हो जाए, हम उसके हो जाए। आज कथा का कौन सा दिन है? छठा। कल कौन सा दिन है? 7। कितनी बजे का था? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूरी, 12-1 बजे आप अपने घर, हम अपने घर, 18 तारीख को फिर वापस मिल जाएंगे, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक फिर गंडई की पवित्र भूमि छत्तीसगढ़ से कथा सुन लेंगे। शिव तत्व की प्राप्ति, और जितनी बार कथा मिले उसे सुनो,
टीवी पर ना मिले तो मोबाइल पर सुनो, पर कथा सुनो, अपने नजदीक में हो तो पंडाल में सुनो। बारिश का समय हो, ज्यादा बरसात हो रही है, तो अपनी गाड़ी से आओ जाओ, और कहीं अगर व्यवस्था हो जाए तो वहां रुको। पंडाल में नहीं हो जगह पानी के कारण, बस जजमान भी कितनी व्यवस्था करे, भक्त लोग कितनी व्यवस्था करे, नहीं हो व्यवस्था अपने साथ प्रयास करो। हवा पानी का समय रहता है, इसलिए अपनी व्यवस्थाओं से चलना, अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल चलना। और मेरे बाबा दया करना, भोले बाबा दया करना, भरोसे शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर ओ घड़ी के भाव की प्राप्ति। शिव तत्व कहता है विदल और उत्पल, ये दो असुर ऐसे हैं, इन विदल उत्पल ने, इन असुरों ने, इन राक्षसों ने माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा, गलत दृष्टि। आप क्या देख रहे हैं? पीला कलर का चश्मा लगाओगे तो सब पीले दिखेंगे, नीला लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, काला लगाओगे तो सब काले दिखेंगे। जो जैसा है वो वैसा, कलर चेंज चश्मे का है, नेत्र का भी ऐसा ही है। तुम जैसे तुम्हारे नेत्र होंगे, अच्छे नेत्र हैं तो अच्छा ही दिखेगी, बुरे नेत्र हैं आपके तो सब में बुराई दिखेगी। जैसे आपके नेत्र होंगे वैसा दिखेगा। तीन व्यक्ति होते हैं, जरा समझिए। एक कोयले का काम कर रहा है, कोयले में हाथ लगाया, कोयले का हाथ उसने अपने मुंह पे लगा लिया तो चेहरा जमके, बोलो जमके काला। एक व्यक्ति वो जिसका हाथ कोयले से लगा और कोयले के कारण चेहरा काला। दूसरा व्यक्ति वो कि जो धूप में काम करता है, गर्मी में काम करता है और धूप में काम करे, और धूप में काम करने पर वो धूप उसके ऊपर पड़ रही हो, वो गर्मी उसके ऊपर पड़ रही हो और वो धूप के कारण बस काला हो जाए, ठीक है। पहला व्यक्ति कौन सा? जिसको कोयले की लग गई। दूसरा व्यक्ति कौन सा? जम के बोलो, जो धूप में काम कर रहा है, काला पड़ गया। तीसरा व्यक्ति कौन सा? जो जन्म से ही भगवान ने जैसा जन्म दिया वैसा है, भगवान ने अगर गोरा दिया, काला दिया, श्याम दिया, जैसा है वैसा है। अब ईमानदारी से बोलना, कोयले का काला व्यक्ति पानी से मुंह धोकर साफ हो सकता, बोलो सही है। धूप में काला व्यक्ति थोड़ा बहुत क्रीम फ्रीम लगाकर एक दो महीने में, चार महीने में ठीक हो सकता, पर भगवान ने जिसको जैसा बनाकर भेजा है वो कितनी भी क्रीम लगाए, चाहे कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग करे, वो जैसा है वैसा की वैसे। अर्थात शास्त्र कहता है आपको परमात्मा ने जैसा भेजा है, आपको परमात्मा ने जैसा बनाया है, आपकी दृष्टि जैसी बनाई है, अच्छी दृष्टि दी है आप अच्छा देखोगे, बुरी दृष्टि दी है आप बुरा देखोगे, आपकी दृष्टि में, आपकी अनुकूलता में आप क्या छाट रहे। कथा में कई तरह के लोग आते हैं, तीन तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का होता है सोता, दूसरे नंबर पर होता है सरोता, और तीसरे नंबर पर होता है श्रोता। तीन तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का सोता, वो कथा में सोने पहुंचता है। जैसे महाराज कथा के ना प्रारंभ करेंगे, इसको धीरे पड़ोसन ने जगाया, सो रही है, तो ऐसी ऐसी क्या कर रही, भगवान भाग रहा था तो बुला रही। सो पहले नंबर का जम के बोलो सोता, दूसरे नंबर का सरोता, सरोता देखा है क्या कट्टरता है, सुपाड़ी। दूसरे नंबर का होता है सरोता, वो दिन भर बैठ कर बस यही कतरता रहता है, महाराज जी ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, उनने क्या बोल दिया, ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्या बोल दिया, पूरी कथा वो बैठ कर सुनते हैं और दिन भर कतरते रहते हैं। ये दूसरे नंबर के श्रोता, ये दूसरे नंबर के होते हैं जिसको सरोता कहा जाता है। और तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जहां जगह मिल गई कथा सुनी और बाबा से विनती करी और अपने घर चलती है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, भगवान की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तु, अविरल भक्ति में डूबा। मेरे बाबा ने जो कृपा करी, मेरे बाबा ने जो करुणा करी, मैं साधुता देता हूँ, धन्यवाद। ये गांव के लोगों ने देखिए, ये 9 तारीख से 15 तारीख तक कथा में श्री नारायण पटेल विधायक जी हैं, सचिन बिरला जी हैं, इंदर बिरला जी हैं, देवी किशन चौधरी जी हैं, संजय राठौर जी हैं, गजानन बिरला जी हैं, विष्णु ठेकेदार जी हैं, विजय गुप्ता जी हैं, नीलेश जायसवाल जी हैं, दुर्गाराम चौधरी जी हैं, रामकृष्ण बिरला जी हैं, ओमकारेश्वर वासी हैं पूरे, सोम सिंह सोलंकी हैं, गोविंद पटेल जी हैं, दशरथ कलमे जी हैं, राजू यादव जी हैं, गजानन जी हैं,
गबू पटेल जी हैं, रोशन यादव जी हैं, भारत यादव जी हैं, देवराज शाह जी हैं, भारत मुकाती जी हैं, नरेंद्र जी हैं, और भोगावा, कोठी, ढावड़िया, इनकुन, थापना, मोरटक्का और मोरघड़ी एवं समस्त जितने भी क्षेत्रवासी, हम व्यासपीठ से कभी भी किसी भी समितियों के नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि कोई रह जाए तो उसको बुरा लग जाता है, इसलिए प्रयास ये करते हैं कि पूरे क्षेत्रवासी, ओंकारेश्वर बाबा ने जिन जिन पे कृपा करी उन सबने सेवा करी, सबने सेवा करिए, कोई रह जाए जिसका नाम भी नहीं आया हो ना तो ये मत सोचना कि हमको हमारा नाम लिख कर नहीं भेजा, नहीं, मेरे बाबा के दरवाजे पर फिर कहूंगा अपना पुण्य और दूसरे का पाप कभी भी चिल्ला कर मत बताओ, दूसरे ने क्या करा अपने को नहीं बताना, अपने को नहीं बोलना, अपना पुण्य भी मत बताओ कि आपने क्या करा, हमने कर दिया जो मेरे ओंकारेश्वर बाबा ने कराना था कर दिया, मेरे ओंकारेश्वर बाबा ने मेरे शरीर से सेवा कराना थी कर दी, जो बना वो कर, हम उसके आश्रित, शंभु ओघड़ी है और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं राखों के ढेर का चपटी भभूत खजाना। भगवान शिव कुंद कैश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, उस औषधि को, उस दवाई को, डॉक्टर की बताई हुई दवाई को अगर कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए, दवाई शरीर में लगना प्रारंभ हो जाती है, वो कुंद कैश्वर महादेव। भाव से भगवान श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है, पधार रहे हैं श्री गणेश जी महाराज, जोरदार ताली बजाएं।